हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से यूट्यूब की दुनिया में। ये देखिए, ये मुझे बाइट करने के लिए जा रहा था, लेकिन ये बाइट नहीं करता है। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को प्रॉपरली नॉलेज है इसके लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या है कि हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर आए दिन कोई ना कोई सांप निकलता ही रहता है, जो कि एक जंगल में स्थित है। तो हम क्या कर रहे थे, एक JCB से खुदाई चल रही थी हमारी, तो उस दौरान ये सांप हमको दिखाई पड़ा। दिखाई नहीं पड़ा मतलब, इसको जैसे खुदाई करते हैं तो JCB मशीन के आसपास बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं, जैसे घुड़सैल, कौवा, बगुले, तो वो कीड़े खाते हैं जो भी निकलते हैं, अर्थवर्म वगैरह ये सब खाते हैं। तो उनकी नज़र में सांप पड़ गया, तो वो इनको इस पर भी हमला करने लगे। हमने देखा बड़े ध्यान से, मन कर रहे ये तो नॉन वैनम सांप है, इसको दो मुहिया सांप बोलते हैं, जबकि इसके दो मुंह नहीं होते हैं, इसका एक ही मुंह होता है, लेकिन इसकी पूंछ और इसका मुंह जो है वो पता नहीं, मतलब अंतर करना बहुत ही मुश्किल है, एक्सपर्ट ही ज़्यादातर जानते हैं। तो इसको मतलब हमने उठाया बड़ी हिम्मत करके, अरे यार मेरी तो फट भी रही थी, मन कहा क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन इसकी जान बचानी थी क्योंकि ये प्रजातियाँ लुप्त हो रही थी, मतलब हो रही हैं हमारे देश से। इसलिए मैंने मतलब हिम्मत जुटाई, और मैं फट्टू बन रहा था उस समय, लेकिन फट्टू ना बन के मैंने हिम्मत जुटा के कि किसी भी तरह इसकी जान बचानी है पक्षियों से, इसको मैंने रिक्स लेके, मतलब रिक्स नहीं मतलब काट भी लेता है तो नॉर्मली कुछ नहीं होता, लेकिन ये मैंने फर्स्ट टाइम पकड़ा है ना, तो भाई अपने को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था सच्ची में, फट रही मतलब पूरी फट रही थी। तो मैंने क्या किया, इसको बड़े हिम्मत करके उठाया और यहाँ से अपने साइड के दूसरे कोने पर लेके